नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में मौसम ने फिर से करवट ली है और जिला मुख्यालय में बादल और धूप तथा हिमनगरी मुनस्यारी में सुबह से इस वर्ष का पहला हिमपात हुआ है। हालांकि 12 बजे के आसपास हिमपात रुकने की सूचना है। स्थानीय निवासी देवेंद्र सिंह देवा ने बताया कि बीते शाम मौसम पूरी तरह से साफ था, पर शुक्रवार की सुबह से हिमपात होना शुरू हो गया। मुनस्यारी के सामने की चोटियों व उच्च हिमालय में बीते दिनों से रुक रुक कर हिमपात होता रहा है। मुनस्यारी में हिमपात होने से तापमान में भी गिरावट आई है और निचले इलाकों में ठंड में इजाफा हो गया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में सुबह आसमान पूरी तरह से बादलों से ढका रहा और दोपहर में धूप छांव का खेल भी जारी था। बढ़ती ठंड के चलते लोग आग और हीटर आदि का सहारा लेते नजर आए। मुनस्यारी में हुई बर्फबारी का पर्यटकों ने लुत्फ उठाया और बर्फ में खेलते नजर आए। मुनस्यारी में इस वर्ष का पहला हिमपात और इससे जो है कि किसानों को अच्छी राहत मिलेगी। इतनी जरूर है कि जो मिट्टी धूल कंकर उड़ रहे थे और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, इससे राहत मिलेगी और किसानों के लिए वरदान साबित है। सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालकों को जरा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष की जो पहली बात हुई है 1 इंच के आसपास मुनस्यारी के इर्द गिर्द के भागों में और आज दिन भर जारी है और इससे लोगों के जो है कि किसानों के चेहरे खिले हैं। बीते लंबे समय से नेकी की दीवार के माध्यम से जरूरतमंदों व निर्धन लोगों की मदद करते आ रहे नेकी की दीवार के संयोजक सुशील खत्री को सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने खत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित हुए सुशील खत्री ने बताया कि उनके द्वारा 2013 से नेकी की दीवार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत वे अभी तक 21,000 से अधिक लोगों को मदद पहुंचा चुके हैं और कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। बताया कि नेकी की दीवार कार्य में जुटी टीम में 22 सदस्य शामिल हैं। इस अवसर पर चंचल भंडारी, धनीराम चन्याल, डीएन भट्ट, तपन रावत, रोहित चौहान, मुकेश महर, अर्जुन कसन्याल, राजेंद्र जेठी, पुष्कर कसन्याल, मयूख भट्ट, राजेंद्र देवलाल, स्वाति सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। संचालन जुगल किशोर पांडे द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा ने जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे व खाद्य प्रतिष्ठानों से अपील करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों में मिलेट से बने उत्पादों व व्यंजनों को अपने मेन्यू में शामिल कर पर्यटकों व अन्य लोगों को इनके प्रति प्रोत्साहित करने को कहा है, जिससे कि जिले व प्रदेश के स्थानीय खाद्य उत्पाद की पहचान देश व विदेश में स्थापित होगी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले चित्रकार व कलाकार शमशाद पिथौरागढ़ी को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड कला सम्मान 2023 से सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इससे पूर्व भी शमशाद अपनी अर्पण कला व चित्रकारी को लेकर विभिन्न मंचों में सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने अर्पण कार्य के चलते 300 से अधिक चीजें तैयार की हैं। साथ ही वे अर्पण कला से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी में जुटे हैं। इस अवसर पर KTS खाती, KD भट्ट, BS मेहता, भुवन भट्ट, नवीन कापड़ी, शेरी भाई, ललित मोहन जोशी, अनिल पानू, निक्को आर्य आदि उपस्थित थे। इस तरीके से ये मैंने उत्तराखंड की अर्पण को इतनी बड़ी थाली में बनाया है। ये अब तक की मेरी सबसे बड़ी थाली है, पूजा की थाली है। इसमें भी मेरा ये हाथ से अर्पण बनी हुई है और ये जो घर में हम लोग लैंप जलाते हैं या जिसको लालटेन बोले, इन लालटेन पे भी मेरे हाथ की अर्पण बनी हुई है। पिथौरागढ़ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा बिण विकास खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत जागरूकता दिवस के अवसर पर NY के स्वयंसेवकों स्वाति जोशी रोशनी द्वारा युवा क्लब सदस्यों के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड सभागार में आयोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत विकासखंड के पंचायत प्रतिनिधियों, रेखी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा GPDP के तहत दिया जा रहा 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण के दौरान हिमालयन पर्वतीय संस्था टेहरी गढ़वाल के प्रशिक्षक उमाशंकर बंगवाल ने प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। प्रशिक्षक एवं ब्लॉक समन्वयक गंभीर मेहता द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। इस अवसर पर भावना देवी, दुर्गाराम, ईश्वर कोरंगा, योगेश सिंह, मालती देवी, भीमराम, तनुजा कोरंगा सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ में शराब पीकर हल्ला गुल्ला कर रहे दो युवक पुलिस के हत्थे
चढ़ गए। दोनों के खिलाफ पुलिस ने 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर हल्ला गुल्ला कर शांति व्यवस्था भंग करने पर हेड कांस्टेबल देवराम और हाईवे पेट्रोल यूनिट टीम द्वारा दो व्यक्तियों किशन कुमार निवासी लिंडुड़ा और दीपक कुमार नेपाल हाल सिरा को 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। इधर मिशन मर्यादा अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने व मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने पर तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 82 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। बीते 4 माह से फरार चल रहे धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के वांछित इनामी आरोपी को पुलिस ने लोधिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास जारी थे। अल्मोड़ा एसएसपी प्रदीप कुमार राय के आदेशानुसार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत लमगड़ा थाने में विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले के फरार इनामी आरोपी को आनंद सिंह बोरा निवासी कनरा को एसओजी एएनटीएफ व पुलिस की संयुक्त टीम ने लोधिया के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया था। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल विनोद डसिला, कांस्टेबल यामीन पवनथवाल आदि शामिल थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।